दोस्तों, मेरे चैनल रसोईयार्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा चौहान। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई मशरूम, वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो दोस्तों, रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूंगी जिससे कि आपकी मशरूम की सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे ही बनेगी। इसके लिए आप वीडियो में बने रहें और इसे बीच में स्किप ना करें। कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए यहाँ लिए हैं मैंने 100 से 200 ग्राम मशरूम। यहाँ लिए हैं मैंने 3 से 4 बड़े टमाटर कटे हुए। इसके बाद यहाँ लिए हैं मैंने 2 मीडियम प्याज कटा हुआ। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा एक बड़ा प्याज, जिसे मैंने 4 पीस में कट करके उसके लेयर्स को अलग कर दिया है। इसके बाद यहाँ ली है हमने एक शिमला मिर्च, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ लिए हैं हमने 2 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक लहसुन, 3-4 हरी मिर्च ली है, आप तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो मशरूम की सब्जी बनाने से पहले मशरूम को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, और इसका वॉश करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। इसमें हम 1 से 2 चम्मच मैदे की डालेंगे और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और इसे हाथ की मदद से अच्छे से रब करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी डर्ट या कंपोस्ट मशरूम के साथ लगी होती है वो सब मैदे के साथ और पानी के साथ निकल के धुल जाएगी। तो इसे हम बोल देते हैं मशरूम स्क्रबिंग, जिसके बाद हमारे मशरूम ज़्यादा शाइनी और वाइट नज़र आते हैं। और इन्हें हम 4 पीस में कट कर लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो अब बनाते हैं हम कढ़ाई मसाला, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। तो दोस्तों, कढ़ाई मशरूम मसाला बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है एक पैन, जिसमें सबसे पहले हमने डाल दिया है 2 छोटी चम्मच जीरा। ये कढ़ाई मसाला हम घर पे ही प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास समय की दिक्कत है तो आप बना बनाया कढ़ाई मसाला मार्केट से भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ डाला है 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। इस मसाले को बाद में आप दूसरी रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने डाल दिया है 2 छोटी हरी इलायची और 1 काली इलायची, 2 छोटी चम्मच साबुत धनिए के, 3 से 4 दालचीनी की स्टिक, और साथ में हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 लौंग। आप इनकी क्वांटिटी, आपने जितना स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंग आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हमने लिए हैं काली मिर्च और 1 छोटी चम्मच सौंफ। इसके बाद मसालों को 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट करें और बीच बीच में चलाते रहें, ताकि सभी मसाले हमारे जले नहीं। जैसे जैसे मसाले रोस्ट होंगे, इनकी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आपको आने लगेगी। इन्हें थोड़ा ठंडा होने दें और बाद में मिक्सर ग्राइंडर में इनका एक फाइन पाउडर बना लें। तो लीजिए, ये हमारा कढ़ाई मसाला बनके रेडी हो चुका है, जिसे हम बाद में दूसरी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कढ़ाई पनीर, कढ़ाई चिकन। इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के 2 से 3 महीने तक अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम बनाते हैं कढ़ाई मशरूम ग्रेवी। कढ़ाई मशरूम की ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ ली है हमने एक कढ़ाई, जिसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। इसके बाद यहाँ मैंने डाला है 10 से 12 काजू। यहाँ मैंने पूरे काजू लिए हैं, आप चाहे तो काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने डाले हैं प्याज, अब इनको अच्छे से सौटे करेंगे 2 मिनट के लिए, और इसके बाद हम डाल देंगे अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ। प्याज और लहसुन को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, मिक्स करेंगे अच्छे से, और साथ में इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अभी हम इसमें इतना ही नमक डालेंगे, बाद में हम नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसे ढकेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 8 से 9 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। 8 से 9 मिनट के बाद
टमाटर प्याज सब अच्छे से पक चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इस सभी मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो मिश्रण ठंडा होने के बाद हम बनाएंगे उसका एक फाइन पेस्ट। पेस्ट बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा बटर और रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। बिना रिफाइंड ऑयल के हमारा जो बटर है वो जल सकता है। इसके बाद हमने लिया है एक तेज पत्ता, थोड़ा सा सौटे करेंगे उसको और उसके बाद हम अपना जो सारा पेस्ट है वो इसमें डाल देंगे। तो इस समय यहाँ मेरी ग्रेवी कंसिस्टेंसी बहुत थिक थी, इसके लिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ डाल दिया है थोड़ा सा पानी। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 2 छोटी चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक। इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। तो दोस्तों हमारी ग्रेवी में अच्छा उबाल आ चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इसी स्टेज में हमने डालना है 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कढ़ाई मसाला और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। इसके बाद हमने ग्रेवी में डाल दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ एक पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे, आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम डालेंगे कटे हुए शिमला मिर्च और प्याज और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक के लिए कैरामलाइज्ड होने तक पकाएंगे। कैरामलाइज्ड होने के बाद इसे हम एक बाउल में सेपरेट निकाल लेंगे। इसके बाद उसी पैन में हमने लिया है थोड़ा सा बटर। बटर मेल्ट होने के बाद डाल देंगे कटे हुए मशरूम। बटर और मशरूम का जो फ्लेवर है इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है। डाल देंगे चुटकी भर नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। इसके बाद इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। हमें मशरूम को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि मशरूम ज़्यादा टाइम नहीं लेता है पकाने में, बहुत जल्दी पक जाता है। अब इन सभी को हम अपनी ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। मशरूम, शिमला मिर्च और प्याज इन सभी को हमने ग्रेवी में मिलाकर इसे हम 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। क्योंकि सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पके हुए हैं लेकिन ग्रेवी में एक अच्छा सा टेस्ट आने के लिए, एक फ्लेवर लाने के लिए इसे थोड़ा सा पकाएंगे। इसके बाद हम डाल देंगे कटा हुआ धनिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये जो हमारी कढ़ाई मशरूम की जो रेसिपी है वो एकदम रेडी है सर्व करने के लिए और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा ही है। आप चाहे तो इसे घर पे बना के भी टेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो दोस्तों रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कढ़ाई मसाला। बिना उसके जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। इसके लिए आपका जो कढ़ाई मसाला है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। उसी के साथ आपकी ग्रेवी में टेस्ट आएगा और उसी से फ्लेवर आएगा। इसे आप नान, रोटी, राइस किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा।